का एक और न्यू फ्रेश वीडियो में दोस्तों वीडियो में बात करेंगे एम्स नॉर्थशेड की ओर से रिक्रूटमेंट है फाइनली आ चुका है दोस्तों। इस वैकेंसी को लेकर बहुत सारे कैंडिडेट डाउट में थे कि सर क्या जून में एग्ज़ाम लगने वाला है। बहुत सारे लोगों को डाउट था, फेक न्यूज़ लग रही थी, लेकिन फाइनली है दोस्तों नोटिफिकेशन आ चुका है नॉर्थशेड 4 यहाँ पे रहने वाला है। दोस्तों कब से क्या फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, कितनी सैलरी मिलने वाली है, क्या GNM BSc दोनों अप्लाई कर सकते हैं, क्या 80-20 यहाँ पे भी रहने वाला है, और दोस्तों किस एम्स में कितनी क्या पोस्ट हैं, टोटल पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को एंड तक जरूर दोस्तों देखें। एंड दोस्तों नर्सिंग एजुकेशन चैनल पर आप फर्स्ट बार विजिट कर रहे हो तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए गाइज विदाउट आपका टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली की ओर से ये नोटिफिकेशन है दोस्तों। ये नोटिफिकेशन 12 तारीख को आया, लेकिन आज बाहर ये नोटिफिकेशन आया, 12/4/2023 का ये नोटिफिकेशन है। उसकी यहाँ पे बता रखा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन इज इनवाइटेड फॉर द नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबल टेस्ट नॉर्थशेड 4 फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ द नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट एट लेवल 7 इन पे मैट्रिक्स फ्री रिवाइज्ड पे बॉन्ड 2 ऑफ द 9300-34800 विद द ग्रेड पे ऑफ द 4600। तो दोस्तों आपको यही बता रखा है कि नॉर्थशेड की जो रिक्रूटमेंट है इसमें लेवल 7 पे ग्रेड दैट मीन्स 4600 पे ग्रेड आपका यहाँ पे लगने वाला है। और उसके बाद में दोस्तों एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें यहाँ पे तो BSc नर्सिंग एंड पोस्ट BSc नर्सिंग दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे GNM के लिए दोस्तों बता रखा है कि जनरल नर्सिंग मिडवाइफ फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल स्टेट नर्सिंग काउंसिल रजिस्टर्ड एज अ नर्स एंड मिडवाइफरी स्टेट नर्सिंग इंडियन नर्सिंग काउंसिल। उसके बाद में 2 ईयर एक्सपीरियंस इन अ मिनिमम 50-बेडेड हॉस्पिटल। दोस्तों GNM के साथ में 2 ईयर का एक्सपीरियंस है और BSc नर्सिंग पोस्ट BSc नर्सिंग MSc नर्सिंग फ्रेशर कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों बात करें एज लिमिट की तो 18 से लेकर 30 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद में दोस्तों एज रिलैक्सेशन भी है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। उसके बाद में दोस्तों बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की तो जनरल की OBC कैंडिडेट है तो 3000 लगने वाली है और SC ST और EWS की कैंडिडेट है 2400 रुपये आपकी जो सैलरी है वो लगने वाली है। उसके बाद में दोस्तों फिजिकल हैंडीकैप पर्सन है तो उसकी कोई फीस है वो नहीं लगने वाली है। उसके बाद में यहाँ पे आपको बता रखा है कि एग्ज़ाम कब होगा, ऑनलाइन मोड एग्जामिनेशन डेट 3 जून 2023 सैटरडे को, 3 जून को एग्ज़ाम लगने वाला है जो हमने पहले भी आपको बता दिया था। उसके बाद में दोस्तों बात करें ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 12 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं, दैट मीन्स आज स्टार्ट ही है, कल 12 थी आज 13 तारीख है और 12/4 से स्टार्ट है और 5/5/2023 5 मई है वो लास्ट डेट रहने वाली, शाम को 5 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हो। तो काफ़ी टाइम है, आप सब लोग अप्लाई कर सकते हो इस वेबसाइट पर जाके www.emsexams.ac.in इस वेबसाइट पर जाके आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। 3 जून को जो आपका एग्ज़ाम है वो होने वाला है। उसके बाद में दोस्तों बात करें अपन यहाँ पे बता रखा है एज रिलैक्सेशन के बारे में, जी हाँ SC ST कैंडिडेट 30 ईयर प्लस है तो 5 ईयर का आपके पास एज रिलैक्सेशन है और OBC के लिए 3 ईयर है और PWD कैंडिडेट है तो 10 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पे एज रिलैक्सेशन से हो रहने वाला है। उसके बाद में मेन मुद्दा दोस्तों ये है कि क्या कितनी एम्स किस किस एम्स में कितनी क्या पोस्ट है वो रहने वाली है। तो बात करते हैं सीधा नंबर ऑफ पोस्ट, दोस्तों बहुत बड़ा PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा, नर्सिंग एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें दोस्तों। टोटल नंबर ऑफ एम्स की बात करें तो 18 एम्स यहाँ पे रहने वाले हैं, एम्स भटिंडा, एम्स भोपाल, एम्स भुवनेश्वर, एम्स बीबीनगर, उसके बाद में बिलासपुर, देवगढ़ एम्स भी है, गोरखपुर है, जोधपुर है, कल्याणी है, मंगलागिरी है, नागपुर एम्स है, न्यू दिल्ली, पटना, रायबरेली, उसके बाद में रायपुर, राजकोट और ऋषिकेश और विजयपुर, ये एम्स है टोटल रहने वाले हैं। टोटल बात करें अपन यहाँ पे सीधा नंबर ऑफ पोस्ट, जी हाँ अलग अलग एम्स वाइज यहाँ पे आपको पोस्ट मेंशन कर रखी है, वैकेंसी पोजीशन ऑफ द एम्स 4th। भटिंडा एम्स की बात करें तो नंबर 142 पोस्ट है यहाँ पे टोटल रहने वाली है। उसके बाद में दोस्तों भोपाल एम्स की बात करें तो 51 पोस्ट है और भुवनेश्वर एम्स की बात करें तो 169
टोटल अलग अलग वाइज आपके एम्स में सबसे ज़्यादा पोस्ट कहाँ है वो अपन देख लेते हैं। यहाँ पे पॉइंट नंबर 13 पे बता रखा है एम्स न्यू दिल्ली। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट करें बात करें तो 620 पोस्ट है, 620 पोस्ट है यहाँ पे रहने वाली एम्स न्यू दिल्ली की। और दोस्तों अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको पोस्टें बता रखी है, जनरल की 270 पोस्ट है, 163 पोस्ट ओबीसी की है, उसके बाद में एससी कैटेगरी की 85 है और एसटी की 45 है, ईडब्ल्यूएस की भी 57 है। टोटल बात करें दोस्तों जनरल में तो 205 पोस्ट है यहाँ पे फीमेल की रहने वाली, 51 पोस्ट है मेल की रहने वाली। तो अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग अलग है, 80-20 दोस्तों इस पोस्ट में भी रहने वाला है, कोई 80-20 नहीं हटा है। उसके बाद में दोस्तों एम्स जोधपुर की भी 300 पोस्ट है यहाँ पे रहने वाली है। उसके बाद में थर्ड नंबर पे हाईएस्ट एम्स ऋषिकेश की है, 299 पोस्ट है। तो ये सारी पोस्ट हैं जो आपको बता रखी है अलग अलग कैटेगरी वाइज, किस कैटेगरी में कितनी क्या पोस्ट है। ये पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है, वहाँ से जाके आप प्राप्त कर सकते हो पूरी इन्फॉर्मेशन। और भी कोई आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है तो इस टोल फ्री नंबर से इस टाइम में आप कॉल कर सकते हैं, यहाँ पे आपको मेंशन कर रखा है। आई होप आज का ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा दोस्तों। नॉर्थशेट बहुत जल्द है वो लगने वाला है, तो आप सब लोग तैयारी में लग जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट और इन्फॉर्मेटिव धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू, बाय।